News360.com में पेश है नॉर्थ ईस्ट की बड़ी खबर। मेघालय में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में महज 7 दिन बचे हैं। मेघालय की 30 लाख की आबादी में करीब 75% आबादी ईसाइयों की है। सत्ता पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में मेघालय कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विसेंट अचपाला ने कहा कि बैपटिस्ट चर्च के एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के अध्यक्ष का वीजा नामंजूर किए जाने का परिणाम बीजेपी को भुगतना होगा। दरअसल ईसाई नेता इस महीने की शुरुआत में एक चर्च की सालगिरह में हिस्सा लेने के लिए मेघालय आने वाले थे, लेकिन उनके वीजे का आवेदन कथित रूप से नामंजूर कर दिया गया। इस मामले को लेकर केंद्रीय पर्यटक मंत्री केजे अल्फोंस ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को आखिरी समय में फोन किया था। इसके बावजूद पॉल मिर्जा कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाए। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि 2 साल पहले पॉल मिर्जा जब गारो हिल्स आए थे तब भी उन्हें निगरानी में रखा गया था। धन्यवाद।